गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा, वो मंत्र है सतनाम। और सतनाम है दो अक्षर का, अरिंदा दास स्वामी वाले ने सतनाम का भी राना, वो सतनाम किधर खान का है कि पीण का, ले थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुवाद ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है, उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सभी अधिकारियों से जा जा कर उसने वहाँ का क्लियरेंस चिट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, जहाँ ये ख़त्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर दो उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है, एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है, और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन सभी इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय हैं हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर, ऐसे ही है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नोड सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नोर डू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास, और फिर आओगे आप त्रिकुटी पर, वहाँ पर इस दो अक्षर के मंत्र का जो आपकी कमाई आपके काम आवेगी। इनके पास अक्षर तो एक भी कोई ना, पांचों काल के। और बात करें त्रिकुटी पर जान की, इन त्रिकुटी तो ऐसी बना रखी जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड हो, कोई पहुँच जा पैदल जाओ चाहे रिक्शा में बैठ के, बालकों का खेल नहीं है वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचना। और इस मंत्र से और इस परमात्मा की शरण से ये बिल्कुल आसान है वहाँ जाना। और इनका ज्ञान दिखाते हैं जो वेदों से भी ऊपर का ज्ञान बताते हैं। देखिएगा सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित, ये है सार्वचन वार्तिक।
प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में 16वां संस्करण छपा इसका, और ये इसके प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, इतने का। ये भूमिका है इनकी यहाँ पर। इस भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी यानी शिवदयाल जी के महाराज के वचनों का संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया था सन 1902 में। ओहो, आज 1911 हो गया, आज 2011 है, 109 वर्ष हो गए इस अज्ञान को पढ़ते पढ़ते। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक उसी गुरुमुख प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अभी इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 में तो पंजाबी में छपे और उससे पहले की छिपी हुई थी और उससे फिर ये हिंदी में बनाई गई। अब कौन थे वो परम दिनेश जी ने इसके इस पुस्तक में वचन बोले हैं। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। देखा, अगर इनके हाथ लग जाते तो यो मंत्र भी देते पाते। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। जो ये लेखक है इस पुस्तक का, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले के वचन सुन रखे थे। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये प्रमाण तले गुरु नानक साहिब की वाणी के, राप डले डोए हठ योग करे। 17 वर्ष तक सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1961 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये और आगे फिर गंध फैलाया इन्होंने। अब इसके देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, इसी पुस्तक में चल रहे हैं हम। खुलासा हजूर उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, इब शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे हैं। वचन यहाँ से सुन होता है, ये जगत नाशवान है। ये दफा, ये गीता जैसे श्लोक है इनके, ये मंत्र संख्या दफा एक में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। अब सतनाम को मुकाम माने स्थान बताया, सतनाम को और राधा स्वामी को भी सतनाम बताया है। अब तीसरे में क्या लिखा वचन में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली को चले। ये नो क्यों नवीन डले डोए थे, नहीं ये यहाँ गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलो फिर, कोई बिरला संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर, ये कहें सिर्फ संत मंजिल पांचवीं यानी सतनाम पर। यहाँ सतनाम मंजिल है, यहाँ सतनाम मंजिल और पीछे मुकाम, मंजिल कहो मुकाम कहो स्थान कहो एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ आते हम, अब वचन नंबर 4 इनका देखो 15 पृष्ठ पे, ये है सार वचन वार्तिक भाग एक पढ़ रहे हम। इसके 4 वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम कहो स्थान कहो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है। राधा स्वामी भी कहते हैं सच्चे साहब का है, सतपुरुष का और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो मुकाम, राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम को ये स्थान बताते आ रहे हैं। ये देखो पीछे यहाँ तीसरे वचन में क्या कहा है कि सिर्फ संत मंजिल पांचवी
यानी सतनाम में पहुंचे, सतनाम स्थान हुआ। और एक वचन में देखो, काम इतना है इंसान, यानी अपनी सूरत को यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम। अब फिर आते हम चार नंबर पे, 15 नंबर पृष्ठ पे, चार वचन पे कहते हैं, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। सतनाम को इन्होंने क्या बोला पहले, मंजिल मुकाम, ये मुकाम का मुकाम। इन बड़कों जैसी थ्योरी ने अरे परम धनी कवा में सतनाम यानी यूँ सोच लो स्थान का स्थान है, स्थान दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है मुकाम, सतनाम का मुकाम। अब इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है इन्होंने बहुत अच्छी तरह विस्तृत, देखियो जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम को, सारशब्द सतनाम को, सतशब्द सतनाम को, और सतनाम सतनाम को, और सतपुरुष सतनाम को बयान किया है। वारे वेद से भी ऊपर ज्ञान वाले हो, तोड़ पाड़ दिया इन्हें। अब इनका ज्ञान तो ऐसा है जैसे किसी ने सपने में भी कार ना देखी हो, सुन सुन रखी हो, किसी तरह जंगल में रहता हो शहर से भी 100 किलोमीटर दूर, और वो औरों को भ्रमित करता है कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर शहर में जाता हूँ, सड़क पर चलती है कार। अब उसे कोई, और किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, कौन चलाता है, ड्राइवर। तो उसे कोई पूछे भी कार कैसी है, किसे कहते हैं ड्राइवर, किसे कहते हैं, शहर कैसा है, सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, तो वो डिफाइन करे कि सड़क भी कार को कहते हैं, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को कहते हैं। तो उस बुद्धू ने या कोई डिफाइन किया। अब ये सतनाम को डिफाइन कर चले हैं इनके परम धनी शिवदयाल जी, जिसे राधा स्वामी पंथ प्रारंभ हुआ है। कहते हैं सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, सार शब्द भी, और सतपुरुष भी सतनाम ही है, और सतनाम स्थान है। और देखा हूँ सतनाम के इनके वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से, और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया, उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावण सिंह जी, और सावण सिंह जी से ही एक बलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं, इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ मन आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावण सिंह जी से उपदेश लिया किसने, बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने, और उसने सच्चा सौदा सिरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदयाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है, और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ के वो कहाँ ले जाएंगे, उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं वो, अपना भी और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है, ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब सावण सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन्हें दुनिया भर की पुस्तक गढ़ दी, सारी नरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाय गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग प्रकाश के भाग 3। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी सभी के अंदर है, यो सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है,
अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि श्रावण सिंह जी कह रहे कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले श्रावण सिंह जी चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग 3 ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी श्रावण सिंह जी लगे डिफाइन करने जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ गढ़डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है, अरियो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वालिया सांग के है, अरे पार होएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर सतना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, श्रावण सिंह जी ने संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो दो अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री श्रावण सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं इनके, सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है, प्रकाशक है संत मत भाग 4 सावन महाराज श्रावण सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक, 10वीं बार छप चुके हैं 2010 तक, 15,000 यानी 60-70,000 तो ये यहाँ तक छप चुकी है। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ श्रावण सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है श्रावण सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्सर है वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रभय त्रय सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की पूजा कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, इसको अनुवाद कर रहे हैं ये श्रावण सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है, पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे दो अक्षर और हैं, दो अक्षर और हैं जो पारब्रह्म है। वो दो अक्षर ही खुद तो कह रहा है पारब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे।
और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना दो अक्षर दो नामा, दो अक्षर दो नाम है, दो अक्षर के दो नाम है वह, और परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहा वह दो अक्षर का भेद बतावे। हरी ये क्या भेद बताओगे इसका देखना। यदि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करें आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। दो अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाख और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर दो अक्षर भाख, भाख माने बोल के सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म में, वो अक्षर पार ब्रह्म पाओगे। आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं दो अक्षर बोल भाख, यानी दो अक्षर का नाम देना चाहिए, और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बस है नानक होत निहाल। एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है, इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़्या मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पर न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। ये नौके पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद करे सावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की, कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होकर, गुरु जी का शिष्य बनकर, कोई स्मरण संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मरे पाछे मिलेगा और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया, अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यह सतनाम में ना समझ मारे इनके केक बताने लगे तेज ने। अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे, अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सो हम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के तीसरे 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इधर सुन लिया इन्हें, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द, इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और यो तैवा हमने गो छपाए गुप्त, बता दो नहीं तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते, और ये दो अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है, सोई गुरु पूरा कहावे। 261 पृष्ठ पे ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद, स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे, ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा, और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा, वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहाँ से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है लेकिन जा नहीं सकते, बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है वो अलग से मिलेगा, एक छुड़ावे एक लखावे, उन दो अक्षर में बता रखे है। तो पुण्यात्माओं
अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये चौरासी के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए, ने कहे का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं, कहाँ वो पांच नाम। पांच नाम वो नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में पांच नामों का भी जिक्र है और उन पांच नामों से मोक्ष नहीं है। वो पांच वो नहीं है, अरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहब में। वो पांच नाम अलग है, पांच प्रधानों के हैं, इन पांच प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके करकमलों से अब क्या बताते हैं, ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे और कबीर जी इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तो यो है, वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाओ इनकी इन्हीं के करकमलों से। अंधों के अंधा मीन तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और प्रश्न नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखिन अपने विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पीछे रानी हुई पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी डूब का मिर्गी। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि पहले आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की, कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे रानी डूब का मिर्गी उसमें विलीन होगी, और फिर उनके सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज फिर बतलाए किस टाइम भाई, तो दोनों डूब का मर गए इनकी थ्योरी थे, फिर बतलाए किस टाइम हुआ आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलाने लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, वो तो थे अकाल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो सच्ची है, इनकी इनका उदाहरण इनके विपरीत है, फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का वहाँ पर, आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4 और यहां देखा 189 पृष्ठ पे, यहां कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा, जब कबीर साहब सतपुरुष है वो कित गा तुम्हारा परम धनी। हाय हाय, कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है, इंदुमती कार्य बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है।
और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो कह तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान हैं और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पे लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया अंदरे। ये दिखे ते संत इन्हें कैखे का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की, अब दो अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, गुरु ने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुणात्माओं आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे हो ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को आत्म ज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कैसे यहां इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है और परमात्म ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए जिस कारण से सच्चे गुरु सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना हो वह के हरि कब हूँ, सिंह की खाल उढ़ाए। गधे को यदि शेर की खाल उढ़ा दे लायन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे, उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुमार था शरारती सा, उसने कुबदसु जी उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी और वो क्या करे अपने गधे पर डाल दे रात ने शाम को और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह वो भाग गए गांव में और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया।
ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो पांच चार गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के और देख लेंगे भाई गधा सिंह होगा शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा, इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए। और 10-20 व्यक्ति थे वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली, जो पांच चार गधे थे वो मिलाकर सुर मसुर। उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था खाल उड़ा रखी थी उस गधे ने भी सुर मसुर मिलाया। वो लाग गया हुआ है बोली बोलन करता डूचो डूचो वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी वह खाल उतर गई उसकी, फिर वो पकड़ा उसको मार गड़ा। फिर गांव वाले ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई तो ना हम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मो गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है, उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था जब वो अपने लीला करने आए हुए थे जैसा भगवान किया करता है, आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां मनुष्य सदृश शरीर में है, वो तेजो में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है नॉर्मल। और वो दो अतिथि माता है, एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित पहले से उद्देशित होता है, और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे, और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अदरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं। फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक
वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता नहीं थी, और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को, हमारे माता या पिता दादा दादी जैसे भी वो शरीर छोड़ गए, जो उनसे जब वो जीवित थे दिन में तीन तीन बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे, एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु, तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर? कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को, या तो फिर डेली छकाओ उसने जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए, वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए गोड्डों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ाए थे, सूर्य को जल दें थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू? परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो? उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा? परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं, मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है, उसमें सिंचाई कर रहा हूं। फिर मंड गए परमात्मा ने बोला, अरे वो पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख ये जल तो यहां कैसे पहुंचेगा, यहीं गिर रहा सारा, तेरी वहां कैसे जाएगा? जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलोमीटर तुम्हारे पितरांत के पास पहुंच जाएगा यहीं गिरा हुआ, तो मेरी बाड़ी में जाती है कि देर लगेगी, तो 2 किलोमीटर भी कोनी। फिर उनकी बुद्धि ठिकाना आएगी, ने बोला रे भले आदमी हो, एक तो तुम कह रहे हो कि स्वर्ग में सारे सुख, और फिर वहां पानी का अभाव, थारी माथे में कितने न फूट गई अकल, कहां गई तुम्हारी? न्यो को ना नरक में जा रहे हैं, नरक में कौन पीने देगा उन्हें गंगा जल? तो साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिए। गुणात्माओं परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गणा दिया, भ्रमित कर दिया, इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े, ऐसे कर्म लगा दिए भक्ति के ईब न छोट छुटवा में तैनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था, अब जैसा वो मार्गदर्शन करके भोले भाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के, उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है होम। अब कति सी दासा दासा था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे घूम। अब गुरुजी समझ गया बोला बालक अच्छा भाई, पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम?
या 2.25 की, 2.25 की, 2.10 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के, गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 2.25 की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना है फुर फुर कर। अब बोले आदमी इनके ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अभी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली में रहता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 20 जून 2017 को ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे विष्णु जी और शिव जी की मेन तौर पे मैं करता था। शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय विष्णु जी का जाप मैं किया करता था। और जैसे किसी ने कहीं पे कुछ बता दिया, जैसे कहीं पे मठ वगैरह है, सिद्धियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी मैं जा कर भक्ति करता था। सुबह 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे जा कर शंख ले कर, कमंडल ले कर, और मैं धूप बत्ती अगरबत्ती ले कर निकल जाता था। तो सुबह जाके मैं परिक्रमा करता था गांव की, और फिर मैं दुर्गा जी के चामुंडा माई पे जाता था, और वहां से जाने के बाद फिर मैं जो मठ था वहां पे जाके शंख बजाता था, साफ सफाई करता था, धूप बत्ती अगरबत्ती वहां पे मैं करता था। सर आपने बताया कि आप विष्णु जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप आप करते थे, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पूरे गांव की परिक्रमा करते थे। इतनी कठिन साधनाएं आपने की, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? जैसे जैसे मैं भक्ति करता था, जैसे जैसे वहां पे जाके मैं करता था, तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई शक्ति मुझे पीछे से रोक रही है। लेकिन लोग कहते थे भाई ये साधना मत करो, ये रास्ता गलत है, लेकिन मुझे भक्ति करनी थी, मुझे देखना था कि वाकई में गलत और सही साधना होती क्या है। मैं उसको करता चला गया, और लास्ट में आके क्या हुआ भगत जी कि मेरे को इतना क्रोध आने लगा उस भक्ति को करते करते, रात को भूत प्रेत आने लगे, सुबह को 4 बजे मुझे आवाज़ लगती थी, मेरे पास घड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन 4 बजे मेरे को आवाज़ लगती थी और मैं तीसरी आवाज़ पे उठ के खड़ा हो जाता था। सर्दी बरसात किस कोई भी मौसम होता था, दो मैं व्रत रखता था हफ्ते में, एक शनि इतवार का और एक मंगलवार का, नीचे सोता था, पूर्ण ब्रह्मचर्या का पालन करता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ शक्तियां नेगेटिव मुझे बुरे रास्ते की तरफ ले जा रही थी, जिससे कि बुरे विचार आने लगे, क्रोध आने लगा। एक दिन तो यहां तक हद हो गई कि मैं किसी आदमी को मारने के लिए कृपाण ले कर निकल गया रात के 11 बजे, और मैं बार बार परेशान था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो शक्ति मुझे उस तरफ ले जा रही थी। लेकिन मैंने कैसे कंट्रोल पाया, कौन सी शक्ति ऐसी मेरे साथ थी जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस दिन मुझे ये लगा था कि आज तुझे जेल हो जाएगी। ये साधना करते करते मेरा एक्सीडेंट होने से बचा उस टाइम जो है, तो मैंने उसके बाद इस भक्ति को छोड़ दिया जी। सर आपने बताया कि आप जो भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? घर पे कोई भगत जी पंपलेट दे के गए थे, मैं जॉब करता था 12 घंटे का, तो मुझे वो पंपलेट मिला, मैंने देखा, बच्चों ने बताया कि भाई ये एक पेपर रखा हुआ है, कोई दे के गए थे, मैंने देखा उसको, पेपर को देखा, देखा तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन, दुर्गा देवी का पति कौन, शंकर का दादा कौन। मुझे झटका सा लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, कोई बेकार पेपर दे गया है। मैंने फिर नीचे पढ़ता चला गया, मुफ्त पुस्तक मंगाने के लिए इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई इंसान तो है जो
इस चीज को प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई जरूर है इसमें वजह, तो व्हाट्सअप कर दे। एक बार विचार आया कि यार नहीं, कोई बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर दूसरी बार विचार आया कि नहीं यार व्हाट्सअप कर दे, मैंने व्हाट्सअप कर दिया जी, मेरे घर पे ज्ञानगंगा पुस्तक आ गई, वो रखी रही, मैं ड्यूटी चला गया, मुझे नहीं पता उसके बाद। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि 7 जून 2017 को मैं गांव में गया हुआ था, तो गांव में गया हुआ था तो मैंने वहां पे अपना कष्ट बताया, तो उन्होंने कहा भाई तुम गुरु बनाओ। तो मुझे गुरु बनाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि भक्ति कैसे स्टार्ट करनी है, तो उन्होंने बताया गुरु बनाओ। तो गुरु बनाओ तो अब मैं सारे गुरुओं को देखने लगा, किस किस का चेहरा कैसा है, कौन गुरु मुझे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो उसके बाद लास्ट में क्या हुआ भगत जी, मैं 12 जून 2017 को इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि मैंने भगवान को इतना याद किया, 4 से 6 दिन इतना तड़पा मैं कि मैंने कह दिया मालिक अगर तू है इस संसार के अंदर शक्ति है तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मुझे गुरु किसको बनाना है। 16 जून 2017 को सुबह के 9:15 बजे मैं रो रहा था गेट के बाहर खड़ा होकर, बहुत बुरी हालत थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे पीछे कहीं से आवाज़ आती है मुझे कि तू रो रहा है, मैंने कहा, मैंने चारों तरफ देखा कहाँ किससे आवाज़ आई कैसे आई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं रोने लगा, फिर दोबारा आवाज़ आई, फिर मैंने सोचा मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान के सिवा दूसरा नहीं हो सकता जो इस कंडीशन में मेरे से बात कर रहा है। फिर मैं रोने लगा, फिर तीसरी बार आवाज़ आई, मैंने जीने ऊपर नीचे सारे पे चढ़ के देखा लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने कहा ये भगवान ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ मैं रो रहा हूँ तेरे लिए, देखता नहीं तेरे बच्चे का कितना बुरा हाल है, एक गुरु नहीं बनाने को नहीं पता चल रहा है मेरे को, मेरी 45-50 साल की आयु हो गई, मैं क्या करूँ। उसके बाद क्या होता है भगत जी, फिर हृदय कमल से आवाज़ आती है कि मैं तो तेरे साथ हूँ। मैंने कहा मेरे साथ हो तो मुझे ये बताओ कि आप किस रूप में मेरे साथ हो। कह रहे मैं तेरे घर के अंदर हूँ। मैंने कहा मुझे इतना चिन्ह बता दो कि किस रूप में आप मेरे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हो, जो मैं इतना निकम्मा आदमी हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि भगवान मेरे घर के अंदर प्रवेश है और मुझे पता नहीं चला। तो मुझे फिर पता, हृदय कमल से फिर आवाज़ आती है कि तेरे घर के अंदर ज्ञानगंगा पुस्तक नहीं है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो बस इतना कहा था, मेरा शरीर एकदम जो है, मैंने बच्चों को उसी टाइम घोषणा कर दी थी, परमात्मा से मेरी बात हुई है और ऐसे ऐसे मुझे बताया मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक चाहिए अभी भी किसी सूरत में भी। मेरी बच्ची ने कहा पापा हाँ आपने मंगाई थी और पुस्तक रखी हुई है, मैं ढूंढती हूँ। उस बच्चे ने तभी ढूंढा, मैंने हाथ मुँह उल्टा पुल्टा धोया, खाया खाना भी खाया नहीं खाया, मैं किताब लेकर बैठ गया, लगभग 2.5 दिन मैंने उस पुस्तक को रात दिन करके पढ़ा। तो इस तरीके से भगत जी फिर 19 तारीख हुई, फिर हम नामदान सेंटर खोजने लगे लेकिन नामदान सेंटर नहीं मिल रहा था। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने ज्ञानगंगा पुस्तक में फ़ोन मिलाने शुरू कर दिए। 6:15 बजे मेरी अंधेरा होता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, मालिक अगर ये ज्ञान नहीं मिला तो मैं घर छोड़ दूंगा, कुछ संसार छोड़ सकता हूं लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। जो मालिक आके मुझे ये बता सकता है कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक से तुझे गुरु मिल जाएगा, वो भगवान ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था, पता भी नहीं था कि कोई परम शक्ति ऐसी है जो इस संसार के अंदर आई हुई है। फिर भगत जी रात के लगभग 9 बजे जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला तो मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, मालिक तू ही मुझे नामदान सेंटर बता सकता है, तू ही बता सकता है। फिर मालिक की प्रेरणा हुई, भोजन करने जा रहा था कि बेटा तेरे ही पास कोई भगत रहता है, तो मैं फिर वहाँ गया रात को, जाके उनको अपनी बात बताई। उन्होंने कहा भाई अगले दिन 10 बजे चलेंगे, मुझे ये नहीं पता था कहाँ लेके जाएंगे। वो बदरपुर नामदान सेंटर पे मुझे लेके आए, मैं और मेरी पत्नी दोनों, और वहाँ आके निया हमने नाम दीक्षा ग्रहण की। सर आप एक पूर्ण संत की खोज में थे और वो पूर्ण संत आपको मिला, तो फिर पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अनेक लाभ हुए, जिनमें से सबसे पहला लाभ मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं जन्म जन्म से भटक रहा था। और उसके बाद मुझे
भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा मिला। तीसरा लाभ ये हुआ कि मैं कभी कभी दारू और मीट का भी सेवन कर लेता था, तो उससे भी मुझे छुटकारा मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अनेक प्रकार के लाभ हुए। मेरे को कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे, चोट लग जाती थी, कभी जीने से गिर गया, कभी मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो गया, तो अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई किसी तरीके का कोई दुख नहीं है। शारीरिक, आर्थिक और सभी प्रकार के लाभ मुझे प्राप्त हुए। मुझे एक बार बवासीर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि भाई मालिक अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो सबका इलाज करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं। मैंने डॉक्टर के कहा भाई मैं ये नहीं कराऊंगा, आप जो दवाई देनी है दे दो, लेकिन मैं ये नहीं कराऊंगा। उसके बाद मैंने वो दवाई भी खानी छोड़ दी और धीरे धीरे मैं भक्ति करता रहा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बवासीर का रोग हुआ था, वो पूरी तरह बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा ठीक हो गया। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी बेटी को सिर के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी और उसका मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कराई और फिर भक्ति करते करते धीरे धीरे उसका सिर का दर्द भी खत्म हो गया। तीसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी पत्नी को किडनी में पथरी हो गई थी, दोनों किडनियों में पथरी बताई, एक में 6.4 mm की, एक में 3.2 mm की। फिर डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन मैंने कहा भाई मैं तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, मैंने मालिक को प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद धीरे धीरे भक्ति करते करते मुझे पता नहीं कि कब मेरी पत्नी की पथरी जो है निकल गई और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पथरी का वो रोग पूरी तरीके से ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हुई, आपकी लड़की को जो माइग्रेन की बीमारी थी 2 साल से आपने अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज कराया, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की, और आपको बवासीर की बीमारी हो गई थी, आपकी पत्नी को किडनी में पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार आए हुए हैं, उनका ज्ञान सत्संग के माध्यम से सुनो। कई सारे टीवी चैनलों पर भी सत्संग आते हैं और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंत और भक्ति से भगवान तक। इन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान को समझें और फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें, जिसकी शरण में आने के बाद आपको मोक्ष भी मिलेगा और मोक्ष के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्त होंगे। जो लाभ मैंने प्राप्त किए हैं वो आपको भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जरूर प्राप्त होंगे। मेरी आप सबसे कर जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि एक बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुनें, वे उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जरूर पढ़ें। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880 54।